नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी रेलगाड़ी में यात्रा ज़रूर की होगी। तो आज हम एक ऐसे ऐप के बारे में जानेंगे जो आपकी यात्रा को बहुत ही सुखद और आसान बनाने के लिए बहुत ही मददगार रहेगा, क्योंकि हम उस ऐप के ज़रिए जान सकते हैं कि हमारी गाड़ी जिसमें हमें यात्रा करनी है वो कैसी चल रही है, कहाँ कौन से स्टेशन पर पहुँची है, और भी सभी जानकारियाँ हमें उस ऐप के द्वारा मिल जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे भारतीय रेलवे का एक NTS ऐप, जो कि नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम ऐप है, जो कि क्रिस द्वारा निर्मित किया गया है। क्रिस यानी कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, या तो अगर आपके पास ऐप डाउनलोड नहीं है तो हमें प्ले स्टोर पर जाके NTS सर्च करना रहेगा। NTS सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये ऑफिशियल ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मेरा डाउनलोड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे दो स्टेशनों के बीच में हमें ट्रेन कैसे देखनी है। आप ट्रेन्स बिटवीन स्टेशंस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप फ्रॉम और टू स्टेशन ले लेंगे कि कहाँ से आपको कहाँ तक जाना है। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ PRYJ प्रयागराज से जयपुर। गेट ट्रेन्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सभी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन सी ट्रेन आपकी चलती है। तो इसमें आप देख लेंगे कि आपको कौन सी ट्रेन के बारे में चाहिए। मैं आपको यहाँ दो चीज़ के बारे में और बताना चाहूँगा। एक यह है फिल्टर आइकन, यह है डिपार्चर टाइमिंग के हिसाब से हम शॉर्ट कर सकते हैं इसको। डिपार्चर टाइमिंग पे आप करेंगे तो देखिए अभी सबसे लेट वाली गाड़ी ऊपर शो हो रही है 23:10 की। यहाँ अभी सबसे जो अर्ली में जाती है सवेरे 1:10 पर वाली शो कर रही है। और जब हम फिल्टर आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ट्रेन टाइप अलग अलग है, आपको किस दिन के लिए देखना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मेल एक्सप्रेस चाहिए या सुपर फास्ट चाहिए आप कोई भी देख सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई फिल्टर पर क्लिक कर देंगे तो आपकी फिल्टर होके रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको मेल एक्सप्रेस दिखा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो गाड़ी डेली चलती है वही दिखाए। अप्लाई कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि दो ही गाड़ी शो हो रही है, एक तो जयपुर इलाहाबाद और एक सियालदह एक्सप्रेस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये जो राइट कॉर्नर में आपको अपर साइड पे दिख रहा है एरो, यहाँ से आप जो जर्नी है उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले था प्रयागराज से जयपुर और अब हो चुका है जयपुर से प्रयागराज। तो चलिए यहाँ से तो हम देख ही लेंगे। मान लीजिए कि जयपुर से प्रयागराज में भी हम ये जयपुर प्रयागराज एक्सप्रेस देखना चाहते हैं तो हम इसके नाम पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ट्रेन का शेड्यूल ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा ट्रेन का शेड्यूल, कब कितने बजे कहाँ पहुँचती है, कितनी देर रुकती है, हॉल्ट कितने मिनट का है। कितना डिस्टेंस किलोमीटर आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है।
और यहाँ आप कोने में देखेंगे राइट कॉर्नर में, यहाँ पे क्लिक करके आप इसका लाइव रनिंग स्टेटस भी देख सकते हैं कि ट्रेन कहाँ चल रही है। और अगर आप देखेंगे इस पे क्लिक करके आप सेव भी कर सकते हैं शेड्यूल को। तो चलिए मैं सेव भी कर देता हूँ। तो हम लाइव रनिंग स्टेटस पे भी देखने के लिए इस पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपको किस स्टेशन से देखना है। तो मैं मान लीजिए आगरा से, आगरा कैंट से देखना चाहूँगा कितने बजे पहुँचती है आज। तो देखिए रात को 9 बजे का टाइम है, 21 बजे। तो बैक कर लेंगे हम और बैक चले जाते हैं। दूसरा स्टेशन, दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे स्पॉट योर ट्रेन का। स्पॉट योर ट्रेन पे करने के बाद हम चाहे ट्रेन के नाम से या ट्रेन के नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे नंबर से प्रयागराज से जयपुर, ये देखते हैं कि हम आज जयपुर कितने बजे आई है। तो देखिए कि आज ये 12:47 पे आई है, जो कि 37 मिनट्स डिलेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस पर क्लिक करके आप इसका रिफ्रेश कर सकते हैं, बार बार अपडेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फेवरेट में ऐड हो जाएगा। और ये जो आप लोकेशन वाला साइन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेन का पूरा शेड्यूल दिखा देगा। और अगर आप शो फुल रनिंग पे क्लिक करेंगे तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ होते हुए आई है, कहाँ लेट हुई है, ये आपको देखिए। जैसे कल रात को चली होगी तो वहाँ से आपको पूरा कहाँ कहाँ कितना मिनट लेट हुआ है, कितना टाइम से आई है, वो पूरा शो हो रहा है। ये आप देखेंगे कोने में राइट कॉर्नर में था। ये गूगल मैप पे भी आप देख सकते हैं, या भुवन पे करेंगे तो आप भुवन से भी मैप पे देख सकते हैं कैसे दिखेगा आपको, ट्रेन का पूरा रूट दिखता है। तो अब दूसरी ऑप्शन पे हम चलेंगे, लाइव स्टेशन पे। लाइव स्टेशन एक ऑप्शन है जिससे आप देख सकते हैं कि आप जिस स्टेशन पे खड़े हैं या जिस स्टेशन पे आप देखना चाहते हैं कि वहाँ से 2, 4 या 8 घंटे में कौन कौन सी ट्रेनें पास होंगी, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ जयपुर से, दिल्ली के लिए। गेट ट्रेन्स पे कर देंगे, अभी तो मैं 2 आवर्स पे ले रहा हूँ। गेट ट्रेन्स पे करने के बाद आप देख सकते हैं कि 15:15 पे एक रानीखेत एक्सप्रेस जिसका डिपार्चर 15:30 है, इसीलिए हमें अभी ये शो हो रहा है। दूसरी गाड़ी जो है आपको मिल जाएगी AIIGAT पूजा एक्सप्रेस, अजमेर जम्मू तवी पूजा एक्सप्रेस। ये भी राइट टाइम है, 16:05 पे आएगी और 16:15 पे डिपार्चर होगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं। और यहाँ राइट कॉर्नर पे आप फेवरेट आइकन पे क्लिक करके इसको फेवरेट में भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा हम ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन अब हम देखेंगे ऑप्शन ट्रेन शेड्यूल का, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि या तो आप ट्रेन नंबर सर्च करके भी देख सकते हैं, और नहीं तो जहाँ से हमने स्पॉट किया ट्रेन को सर्च किया वहाँ सबसे भी हम शेड्यूल सर्च कर सकते हैं। तो हम यहीं पे देख लेंगे। जैसे कि देखिए एक ट्रेन है जो सर्च किया तो मेरे पास सामने ये आ गया ओपन पूरा शेड्यूल होके। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पे रनिंग स्टेटस दिखा देगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। बैक चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कैंसल ट्रेन्स कैसे पता करते हैं, जो कि ट्रेनें कैंसल हुई हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ट्रेन की स्टार्ट डेट लेनी रहेगी,
कि कौन सी डेट को स्टार्ट हो रही है। जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो ट्रेनें स्टार्ट हो रही हैं कौन कौन सी वो कैंसिल हैं, तो आपको पूरी लिस्ट हो जाएगी ओपन, देख सकते हैं आप पूरी लिस्ट। तो आप इसमें अपनी ट्रेन को चेक कर सकते हैं कि ट्रेन आपकी इसमें शो हो रही होगी तो कैंसिल होगी, पार्शियल पे कर देंगे तो जो ट्रेन है पार्शियल कैंसिल होगी वो आपको शो हो जाएगा। तो चलिए बैक चलते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आपकी ट्रेन को रीशेड्यूल कर दिया है किसी भी कारणवश तो आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रीशेड्यूल के लिए भी सेम ही प्रोसेस है, आपको डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि ट्रेन आपकी कब स्टार्ट हो रही है। तो मान लीजिए हम 9th ही ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी कि इसको रीशेड्यूल कितने घंटे के लिए किया गया है, क्योंकि लेट हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है ट्रेन में तो इसलिए वो रीशेड्यूल किया जाता है। तो चलिए बैक चलते हैं। और अगर आपकी ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया जाता है किसी कारणवश तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी ट्रेन डाइवर्ट हुई है और अगर हुई है तो वो किस रूट से होके जाएगी। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, डेट डालना होगा कि आपकी ट्रेन कब स्टार्ट हुई है। तो आप देख लेते हैं, जैसे कि हम ये कामायनी एक्सप्रेस है इसी को ही चेक कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है डाइवर्टेड रूट। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, राइट कॉर्नर में आप देख रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले हम देख लेते हैं पूरा स्टेट शेड्यूल, डिपार्टेड रूट पे कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि डिपार्टेड रूट में लोकमान्य तिलक और थाने यहाँ से यहाँ के बीच में हुई है। और मैनेज फेवरेट्स में आप जो भी फेवरेट्स में ऐड कर रहे हैं हर ऑप्शन में आपको देखा गया है। राइट साइड में हार्ट का जैसे सिंबल आपको शो हो रहा है, यही सिंबल पे आपने जिस जिस ऑप्शन में क्लिक किया होगा आप यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे हमने फेवरेट ट्रेन्स में किए तो ये दोनों ट्रेन हमें शो हो रही है, लाइव स्टेशन पर भी हमने नहीं किया तो इसलिए हम सेव शेड्यूल पे क्लिक करके देख सकते हैं हमने कौन कौन से ट्रेन के शेड्यूल सेव किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं, जैसा कि आपको दिखा रहा है हमने 12040 12404 का शेड्यूल सेव किया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि हमने कैसे सेव कर रखा है। अब हम देखेंगे अबाउट सेक्शन में ऐप के बारे में हमें डिटेल्स दिखा देगा कि क्या क्या ऐप के बारे में हमें शो होता है, जैसे कि ऐप का नाम NTS है, इसका वर्जन क्या है, क्या क्या फीचर्स हमको इस पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरह हमने ऐप का आज पूरा रिव्यू कर लिया है। मुझे लगता है कि आपको इस ऐप से बहुत ही मदद मिलेगी आपके यात्रा को सुखद बनाने के लिए। और मैं आशा करता हूँ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।